और भैया बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है यहाँ पर, मौनी टांडे वर्सेस ज्ञानेंद्र दीवान जी के बीच। और मौनी ज्ञानेंद्र दीवान जी के 5 ओवर में 80 रन बनाएंगे, 3 बार चांस मिलेगी मौनी भाई को। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है मौनी भाई, बुलंदशहर ज़िले में टॉप पर चल रहे हैं मौनी भाई बैटिंग, अगर बैटिंग की बात की जाए तो। और भैया बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा ये, 20-20 हज़ार रुपये का सेट, स्कीम का मैच, 5 ओवर में 80 रन बनाएंगे मौनी टांडे ज्ञानेंद्र दीवान जी। बहुत ही अनुभवी बॉलर हैं, बहुत पुराने बॉलर हैं ये। पहली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी भाई के लिए, और पहली बॉल वाइड बॉल, फिर से डालेंगे इस बॉल को ज्ञानेंद्र दीवान जी। ज्ञानेंद्र दीवान जी बहुत ही अच्छे बॉलर है, और पहली बॉल लेग साइड में खेल दिया मौनी भाई ने 4 रन के लिए, पहली बॉल पर बाउंड्री आती हुई एक। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये बॉल काफ़ी अच्छी बॉल ही वो होगी, ये डॉट बॉल। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये भी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल होगी, फील्डर बॉल के पीछे भाग रहे हैं, रुक जाएगी बॉल, डॉट बॉल। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये भी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, डॉट बॉल होगी ये। 4 बॉलों पर 4 रन आए हैं अभी तक। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और मौनी ने लेग साइड में खेलता है एक बड़ी हिट लगा दी है मौनी ने 6 रन के लिए, 5 बॉलों पर 10 रन हो चुके हैं। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, डॉट बॉल होगी ये। 1 ओवर से 10 रन आ चुके हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं ज्ञानेंद्र दीवान जी, अनुभवी बॉलर है, जाने माने बॉलर है, बहुत ही पुराने बॉलर है। और मौनी भाई भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस टाइम पर, बुलंदशहर ज़िले में काफ़ी अच्छी, सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मौनी भाई। अगले ओवर की पहली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और वाइड बॉल, फिर से डालनी होगी ये बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी को। फिर से दूसरे ओवर की पहली बॉल डालेंगे ज्ञानेंद्र दीवान जी, और मौनी भाई ने लेग साइड में खेल दिया 6 रन के लिए, एक और बड़ी हिट मौनी भाई के बल्ले से आती हुई। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं मौनी भाई। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये बॉल यॉर्कर बॉल, काफ़ी अच्छी बॉल, डॉट बॉल होगी ये। 2 बॉल 16 रन। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और फिल्टॉस बॉल, और फिल्टर बॉल के पीछे भाग रहे हैं और रोक लेंगे बॉल को। 3 बॉल 16 रन। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और जड़ में बॉल डाली है ये, और फिल्टर बॉल के पीछे भाग रहे हैं, फील्ड कर लेंगे बॉल को, ये भी बॉल डॉट बॉल होगी। दूसरे ओवर के 4 बॉल हो चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंचा है 16 रन। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं मौनी भाई और ज्ञानेंद्र दीवान जी। अगली बॉल मौनी भाई के लिए, और ये बॉल काफ़ी अच्छी बॉल है ये, और फिर से डालेंगे इस बॉल को ज्ञानेंद्र दीवान जी, वाइड बॉल थी वो। और फिर से बॉल वाइड बॉल है ये, फिर से वाइड बॉल, फिर से डालेंगे इस बॉल को ज्ञानेंद्र दीवान जी। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी, और ये भी बॉल काफी अच्छी बॉल, फील्ड कर लेंगे फील्डर बॉल को, और डॉट बॉल। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी, और ये भी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, ये भी बॉल डॉट बॉल। तीसरे ओवर की 5 बॉल हो चुके हैं और स्कोर अभी भी 28 रन पर रुका हुआ है। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी, और ये बॉल जड़ में बॉल डाली बिल्कुल सटीक, यॉर्कर बॉल, डॉट बॉल। और चौथा ओवर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, चौथे ओवर की पहली बॉल डालेंगे ज्ञानेंद्र दीवान जी, चौथे ओवर की पहली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी, और ये बॉल, ये भी बॉल तगड़ी बॉल डाल रहे हैं ज्ञानेंद्र दीवान जी, डॉट बॉल होगी ये। 11 बॉलों पर अब मैच जीतने के लिए मौनी भाई को 52 रन की ज़रूरत है, जो कि अब ज्ञानेंद्र दीवान जी ने अपनी तरफ पकड़ में कर लिया 70%। और ये भी बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, वाइड यॉर्कर बॉल, डॉट बॉल। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मौनी के लिए, और ये भी बॉल डॉट बॉल होगी, काफ़ी अच्छी बॉल डाली है और मैच जीत चुके हैं ज्ञानेंद्र दीवान जी, मैच छोड़ दिया मौनी भाई ने यहीं पर। और
काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है ज्ञानेंद्र दीवान जी ने, पूरी तरफ से मैच को अपनी तरफ शुरू से ही खींच लिया है मैच को और जीत चुके हैं। पहली बार ज्ञानेंद्र दीवान जी ने मोनी भाई को स्कीम के मैच में हरा दिया है, जो कि मोनी भाई अभी तक किसी पर नहीं हारे थे और ज्ञानेंद्र दीवान जी पहला मैच खेलने आए थे मोनी से और मैच को जीत चुके हैं ज्ञानेंद्र दीवान जी। और ज्ञानेंद्र दीवान जी को भी चीता ही कह देते हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं ये और यूपी पुलिस में नौकरी करते हैं, इतने दिनों के बाद मैच खेलते हैं और एक चैलेंज वाले खिलाड़ी को हराया है इन्होंने, जो कि बुलंदशहर ज़िले में सबको चैलेंज दे रखा मोनी भाई ने 5 ओवर में 80 रन का। और फिर से डालेंगे इस बॉल को ज्ञानेंद्र दीवान जी, वाइड बॉल हो चुकी थी वो। और ज्ञानेंद्र दीवान जी और यॉर्कर बॉल, काफ़ी अच्छी बॉल, फिल्डर बॉल के नीचे भाग रहे हैं और पकड़ लेंगे आराम से बॉल को, डॉट बॉल। और दूसरे ओवर की लास्ट बॉल है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ज्ञानेंद्र दीवान जी। और सामने की तरफ खेल दिया मोनी भाई ने 6 रन के लिए, एक और बड़ी हिट मोनी भाई के बल्ले से आती हुई और स्कोर बढ़कर पहुँचा है 2 ओवर में 22 रन। तीसरे ओवर की पहली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मोनी भाई के लिए और फिल्टोस बॉल और मोनी भाई ने लेग साइड में खेला, एक और बड़ी हिट मोनी भाई के बल्ले से आती हुई। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी मोनी भाई के लिए और ये बॉल रोक लेंगे इस बॉल को, डॉट बॉल है, काफ़ी अच्छी बॉल थी ये। अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी और मोनी भाई ने फिर से उड़ा दिया है लेग साइड में और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, कुछ कैच ड्रॉप हो गया है यहाँ पर, ये कैच ड्रॉप हो चुका है और भैया इस बॉल के ऊपर भसड़ हो गई थी, रीबॉल कराई जाएगी ये। और स्कोर हो चुका तीसरे ओवर की 2 बॉलों पर 28 रन। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल को फिर से डालेंगे, रीबॉल हो चुकी है ज्ञानेंद्र दीवान जी, ये बॉल फिल्टोस बॉल है, फिल्टर बॉल के नीचे है और कैच ड्रॉप हो चुका है लेकिन बॉल रोक ली है। काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली है, पहली 15 बॉलों पर 28 रन आए हैं अभी और अब चेंज हो जाएंगे, दूसरी तरफ से खेलेंगे बल्लेबाज, 15-15 बॉल दोनों छोर से खेलना है, अब दूसरे छोर से खेलेंगे और मैच जीतने के लिए मोनी भाई को अभी 15 बॉलों पर 52 रन की ज़रूरत है। और तीसरे ओवर की चौथी बॉल डालेंगे ज्ञानेंद्र दीवान जी, बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, 5 ओवर में 80 रन बनाने, जो कि अभी तक जिससे भी खेले हैं मोनी वो अभी तक हार नहीं पाए एक भी मैच इस गेम का। और अब ज्ञानेंद्र दीवान जी से खेल रहे हैं, अगली बॉल ज्ञानेंद्र दीवान जी की और ये बॉल